जरा गुजारिश करके दिला दीजिए ना, मेहरबानी होंगी आप लोगों को। मैं बहुत परेशानी में हूँ, मैं ऑक्सीजन की कमी है, मेरे को बहुत मुश्किल में हूँ मैं। ये 8 महीने 9 महीने से और बीमार कर दिया आदमी मेरे को। बच्चा रोते हुए खाना नहीं खाया, हम नहीं खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, रोज़ इंतज़ार देख रहे हैं कब फोन आके कब बुला के पैसे देता है। मेरा नाम मोहम्मद सईद है, मैं छावनी से रहने वाला हूँ। एक बागा जा रहा, मैं घर लिया था 82 बस स्टॉप के पास। मोहम्मद इश्तियाक नाम है, उस उर्फ शक्कू के नाम से पहचानते। 24 महीने का अग्रीमेंट हुआ भाई, 24 महीने के 24 सेकंड रहने नहीं दिए उन्होंने घर में। एक रूम कब्जा दिए तो वो रूम में मेरा सामान डाला था, मैं A to Z। वो सामान लॉक में था, लॉक से सामान चुराया गया, लॉक तोड़ के। मैं कंप्लेंट लिखाया रैन बाज़ार PS में, तो कंप्लेंट नहीं लिए। तो मैं DCP साहब के पास गया साउथ जोन, वहाँ पे कंप्लेंट लिखाया, तो यहाँ पे मेरी फाइल आई, कंप्लेंट लिए, एक्सेप्ट करे। थोड़ी सी 10 सेकंड की वीडियो है, मेरा सामान जो चोरी हुआ वो बाहर आया हुआ है। आधा सामान मिला, आधा सामान नहीं मिला। ये मेरे वालदा है, ये शुगर पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, ऑक्सीजन पेशेंट है, इन्हों बगैर इंसुलिन के खाना नहीं खा सकते। हम लोग इतनी मुसीबत में है भाई, ये बंदा और परेशान कर दिया मेरे को। 4 लाख रुपये ले लेके चले गया, DCP साहब के पास कंप्लेंट देने के बाद 2 लाख रुपये ला के रिटर्न दिए नो, क्यों घर नहीं दे सकता बोल के। 24 महीने का अग्रीमेंट लिखा है तो देना चाहिए ना भाई 24 महीने, नहीं तो यह पूरा पैसा देना चाहिए ना। मगर आधा पैसा देते ही नो, आधा पैसा इन्हों डुबाए थे। ये ऐसा नहीं, 30 साल से इनका कारोबार चल रहा एक एक बिल्डिंग पे। हकीकत है, आप मालूम करिए 82 बस स्टॉप के पास, उर्फ शक्कू नाम है इनका। मैं KCR साहब, KTR सर, हमारे असदुल्ला साहब, हमारे अकबर साहब, हमारे बलाला साहब, हमारे अहमद पाशा खादरी साहब से, तेलंगाना की हुकूमत से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इल्तिजा कर रहा हूँ साहब, प्लीज़ मेरे को इंसाफ दिला दो। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं ये जो सोना रखा के मुत्तू फाइनेंस में, आप उसका एविडेंस ही बता दो। मैं ये देखिए, ये मुत्तू फाइनेंस में 3,25,000 रुपये का लोन है मेरा, और मैं हर महीना 5,800 रुपये पे कर रहा हूँ। मेरे को जॉब नहीं है, एक तो लॉकडाउन में मेरी नौकरी चली गई। आप प्लीज़ मेरी हेल्प करिए प्लीज़। मैं अंजलि कुमार साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं उनके पास भी कंप्लेंट दिया, डायरेक्टर DIG साहब के पास भी कंप्लेंट दिया, मगर अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। 10 महीने हो गया मैं घर लेके, ये साहब से 10 महीने हो गया घर लेके, मैं अभी तक मैं मेरा पैसा नहीं मिला। 2 लाख रुपये मिले और 2 लाख रुपये मिलने का है, प्लीज़ मेहरबानी करके मेरे पैसे दिला दो साहब, मेहरबानी करिए प्लीज़। मैं बंद भी चले गया साहब, मेरा सामान भी चले गया साहब, आधा सामान चले गया, आधा सामान है, किधर है नहीं मालूम। वो आदमी को मालूम है, ये इश्तियाक को, इसके खिलाफ़ कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहा साहब। मेरी माँ को देखो साहब, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बाहर भी नहीं निकल सक रहा हूँ। और मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं अगर मेरी जान को, मेरी मेरे मेरे घर पर कुछ हमला हुआ या मेरी जान को धक्का लगा, तो इसका जिम्मेदार मोहम्मद इश्तियाक अहमद रहेंगे और इनकी फैमिली रहेंगी। तेलंगाना हुकूमत से गुजारिश कर रहा हूँ मैं, अगर मेरे को धक्का लगा, कल के दिन मेरी जान चले गई या मेरे को मारे पीटे या घर पे हमला हुआ, इसके जिम्मेदार मोहम्मद।